बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर निशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स के अंदर खुश आमदीद कहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर एन एंड डिस्प्ले द टेबल of given number on the screen by using go to statement। एक प्रोग्राम लिखें जिसमें यूजर से एक नंबर को एंटर करवाएं n और स्क्रीन के ऊपर उस नंबर का टेबल डिस्प्ले करवाएं by using go to statement। n क्या है? n वो वैल्यू है जो यूजर ने एंटर करनी है, लेट्स सपोज 2, और टेबल डिस्प्ले करना है। टेबल किस फॉर्म के अंदर होगा? टेबल इस तरह से स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, 2 into 1 equal to 2, 2 into 2 equal to 4, इस तरीके से 2 into 10 equal to 20, 1 से लेके 10 तक जो नंबर देंगे उसका टेबल डिस्प्ले हो जाएगा। इसको गो टू स्टेटमेंट के साथ डिस्प्ले करवाना है। ये किस तरह से डिस्प्ले होगा, आइए देखते हैं। ये हम डेव C++ के कंपाइलर के अंदर मौजूद है, प्रोग्राम स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद इसको ट्राई रन करूंगा और आखिर में इसको कंपाइल और रन करूंगा। सबसे पहले इंक्लूड हेडर फाइल stdio.h, int main, main को स्टार्ट किया, int press काउंटर और n, 3 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किए। प्रिंट एफ के साथ स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले करवाया, एंटर द नंबर ऑफ टेबल, जो वैल्यू एंटर करेंगे स्कैन एफ के साथ n को असाइन हो जाएगी। काउंटर वेरिएबल, उसको वैल्यू असाइन की 1, इन ये वो लेबल है जो गो टू स्टेटमेंट के अंदर यूज होना है। रेस को असाइन करें एन मल्टीप्लाई बाय काउंटर। प्रिंट एफ स्क्रीन के ऊपर एन को डिस्प्ले करवा दे, एन के अंदर जो वैल्यू है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। प्रिंट एफ स्टेरी को डिस्प्ले करवाएं, प्रिंट एफ काउंटर के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको डिस्प्ले करवाएं, प्रिंट एफ इक्वल का सिंबल डिस्प्ले करवाएं, प्रिंट एफ रेस के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको डिस्प्ले करवा दे, प्रिंट एफ न्यू लाइन, काउंटर को असाइन कर दें काउंटर +1, इफ कंडीशन है, इफ काउंटर <less than equal to 10, देन गो टू इन, प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई रन करता हूं। ये प्रोग्राम यहां से स्टार्ट होगा, इसके नतीजे में मेमोरी के अंदर 3 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर होंगे। प्रेस काउंटर और एन, उसके बाद प्रिंट एफ के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा, एंटर द नंबर ऑफ टेबल, लेट्स सपोज आपने 2 एंटर किया, स्कैन एफ के साथ 2 की वैल्यू एन को साइन हो जाएगी। उसके बाद काउंटर को असाइन कर दें 1, काउंटर के अंदर 1 साइन हो जाएगा, ये लेबल है इसको चेक करेगा। रेस को साइन करें एन मल्टीप्लाई बाय काउंटर, एन के अंदर इस वक्त 2 है, मल्टीप्लाई बाय 1, काउंटर के अंदर 1 है तो 2 असाइन कर दें रेस्ट को। प्रिंट एफ एन, एन के अंदर वैल्यू 2 है, प्रिंट एफ स्टेरिक, स्टेरिक का सिंबल, प्रिंट एफ काउंटर, काउंटर के अंदर इस वक्त 1 है, प्रिंट एफ इक्वल टू का सिंबल, प्रिंट एफ
रेस रेस के अंदर स्पोकर टू है, प्रिंट एफ न्यू लाइन कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा, काउंटर को साइन कर दे काउंटर प्लस वन, काउंटर के अंदर वन है ओवरराइट हो जाएगी वैल्यू टू, इफ कंडीशन है इफ काउंटर लेस एंड इक्वल टू टेन, काउंटर के अंदर इस वक्त टू पड़ी हुई है, टू लेस है टेन से कंडीशन ट्रू है, गो टू इन यहां से कंट्रोल जंप करेगा और कहां पहुंचेगा इन के अंदर, इनका लेबल फाइंड आउट किया उसने और यहां पे आ गया। उसके बाद फिर रेस को साइन कर दे एन मल्टीप्लाई बाय काउंटर, एन के अंदर टू है काउंटर के अंदर भी टू है, टू इंटू टू फोर रेस के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा, प्रिंट एफ एन न्यू लाइन के ऊपर आ चुका हुआ था कंट्रोल, टू प्रिंट हुआ, स्टेरिक प्रिंट हुआ, काउंटर प्रिंट हुआ, काउंटर के अंदर टू है, इक्वल का सिंबल आया, रेस के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो प्रिंट कर दें, फोर न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा, फिर काउंटर के अंदर वैल्यू थ्री हो जाएगी, इफ कंडीशन चेक हो गई, काउंटर लेस एंड इक्वल टू टेन, काउंटर के अंदर इस वक्त थ्री है तो थ्री लेस देन टेन कंडीशन ट्रू है, गो टू इन दोबारा से जाएगा, ये इसी तरीके से सारे का सारा परफॉर्म करेगा जब तक के काउंटर की वैल्यू 11 नहीं हो जाती। जब काउंटर की वैल्यू 11 होगी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये इस तरीके से चलता जाएगा और लास्ट के ऊपर टू इंटू टेन इक्वल टू 20 डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं इसको कंपाइल और रन करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया, एंटर द नंबर ऑफ टेबल लेट्स सपोज टू, तो आप देख रहे हैं टू का टेबल स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया है। प्रेस एनी क्यू टू कंटिन्यू। आपने देखा किस तरह से गो टू स्टेटमेंट के साथ जो नंबर यूजर ने एंटर किया उसका स्क्रीन के ऊपर टेबल डिस्प्ले करवाया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।